नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जन सुराज जो कि एक अभियान के रूप में काम कर रहा था और इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर बताए जा रहे थे, लेकिन अब जन सुराज अभियान नहीं, अब वो पार्टी में तब्दील होने वाला है। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी बनेगी और इस पार्टी का निर्माण पटना के गांधी समाहरणालय से शुरू किया जाएगा और उस दिन से आगामी विधानसभा चुनाव को लेके जो नए नए प्रत्याशियों का टिकट का आवंटन किया जाएगा वो सब आप सभी के सामने आएगा। एक तरह से देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि भाजपा, राजद और जेडीयू के बीच में जन सुराज पार्टी आने वाली है। इसमें प्रशांत किशोर का जो 5 मुख्य मुद्दा होगा, युवाओं को पलायन बंद किया जाएगा, यानी कि जो युवा अपने बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं उनके लिए 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों को 2,000 रुपया पेंशन दिलाएंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी और किसानों के लिए खेती में बेहतर कमाई होने वाली है। तो इस तरह से जन सुराज का यह उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से जन सुराज पार्टी बनके और बिहार में काम करने वाली है। और प्रशांत किशोर का साफ तौर पे कहना है कि 2 वर्षों में बिहार की बदहाली को समाप्त कर देंगे। हालांकि इस वीडियो को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और जन सुराज के अगर आप सदस्य हैं या जन सुराज के कार्यकर्ता हैं तो जन सुराज को लेके आपके मन में जो भी विचार हो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।